Assalamualaikum, welcome back to It's Honey Makeup. आज मैं आपके सामने आई हूँ उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम दिखाएंगे कि जी हेयर ड्रायर किस तरह का है, उसकी क्या क्वालिटी है और किस तरह का वर्क करता है. आपके सामने ही मैं शो करूँगी. मेरे हेयर तो ऑलरेडी ड्राई हैं लेकिन मैं उससे आपको एक और नई टेक्निक करना सिखाऊंगी, सिर्फ वन स्ट्रैंड पर सिखाऊंगी. और जो लोग मुझे बहुत मैसेजेस कर रहे थे कि हमें आप बता देंगे आपने कहाँ से परचेजिंग की है, तो जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं कि ये लिंक मौजूद है. आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि इसकी अब प्राइजेस क्या हैं. जिस टाइम पे मैंने ख़रीदा था तब तो ये अंडर 1500 थे और अभी भी ये अंडर 1500 ही होंगे. बस ड्रायर की जो है मैं बताती चलूँ तो उसकी मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है. 1500 या 1600 के राउंड अबाउट है, मुझे इतना कन्फर्म नहीं है क्योंकि तकरीबन एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हो गया था मुझे ये परचेज़ किए हुए. चलें तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जी इसका बॉक्स किस तरह का है. जी तो ये इसका बॉक्स है, यहाँ से ये हमें मिल रहा है. ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नीचे आप देख रहे होंगे कि किस तरह का है बॉक्स. पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी इनकी. जी तो देख लेते हैं इस बॉक्स में से क्या निकला है. हमें इस तरह से ये बॉक्स के अंदर रिसीव होता है और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या मटेरियल है. तो हाँ जी, इसका अंदर मतलब कि जो आगे लगता है ड्रायर के वो पार्ट है और उसके अलावा हमें यहाँ पर ड्रायर मिलता है. इस ड्रायर का मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका स्विच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ईजिली फिट हो जाता है. दूसरे स्विचेस का मुझे थोड़ा इशू होता है कि ईजिली फिटेड नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी फिट हो जाता है. आपको मैं करीब करके भी दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से है और ड्रायर भी कुछ इस तरह से है. आप मेरे हैंड में देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, ये छोटा ड्रायर नहीं है. आप देखें और इसके यहाँ पर हमें दिए गए हैं ऑन ऑफ का बटन दिया गया है. उसके बाद हमें मोड दिए गए हैं कि कूलिंग मोड आपने रखना है या आपने हॉट का रखना है. ये मोड्स भी हमें दिए गए हैं, ये हमारी अपनी चॉइस पर है कि हमने किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है. अब हम बात कर लेते हैं इसके मटेरियल की. चीज़ तो इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है. अगर आप ड्रायर को देखते चलें तो इसकी वायर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वायर हमें कितनी अच्छी लगा कर उन्होंने दी है. और इसका मटेरियल प्लास्टिक वगैरह की अगर बात की जाए तो ये इतना लाइट वेट नहीं है कि ये नहीं है कि बहुत ही मतलब कि आपको लाइट आपको मटेरियल दे दिया गया है. ये बहुत अच्छा मटेरियल है, पता चल रहा है पकड़ने से कि हैवी है. और इसकी मोड्स की बात की जाए तो इसमें मोड भी हैं. आप देखें इसमें डबल प्रेशर भी है और सिंगल भी है. ओके, आपकी मर्ज़ी, आपने जिसे रखना है. उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो एक और मोड है कि आपने कूलिंग इफेक्ट रखना है या हीट अप. ये आपको मिलते हैं तकरीबन 7000-8000 के तकरीबन इस राउंड में ना आपको ये ड्रायर इस तरह के मिलते हैं. लेकिन बहुत अच्छी परचेजिंग रही है मेरी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर किया जाए. चले तो हम इसके पार्ट को जल्दी से फिक्स कर लेते हैं. इसका पार्ट जब हम जैसे प्रेस करेंगे तो ये फिक्सिंग हो गई है. अब फिक्सिंग आप देखें इसकी कितनी अच्छी हो गई है. बिल्कुल हल्का सा मैंने किया तो इतना अच्छी तरह फिक्स हो गया. अब हम इसको यूज़ भी करके देख लेते हैं. तो चलें हम इसकी वायर को ओपन कर लेते हैं. और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं अगर ये नहीं अवेलेबल तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं. क्योंकि सेलर से मतलब कि डायरेक्ट ही मैं आपको ये मतलब कि अगर आपको नहीं मिलता दराज पे अनअवेलेबल होता है मतलब सोल्ड आउट हो गया है तो आपको ये मेरे थ्रू मिल जाएगा. और प्राइजेस की बात की जाए तो प्राइजेस आपको वही मिलेंगी. चलें तो हम इसको फिक्स कर देते हैं. ये मैंने फिक्स कर लिया है. अब हम मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें यहां से ये हमने हमारे पास बटन है, हमने इसको क्लिक करना है. ये उसके बाद हम सेकंड को करेंगे तो ये और स्पीड अप हो गया. देन मैं आपको इसके मोड्स की बात कर ली जाए तो इसके मोड्स का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें अगर मैं सिंगल प्रेशर पर रख के कर रही हूँ. अभी आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है ड्रायर की, और ये हर ड्रायर की होती है. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपके ड्रायर में से आवाज़ आ रही है या वट एवर, इस तरह का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये हर ड्रायर में से आवाज़ आती है. तो मैं ओपन ऑन करके इसे तो इसका फर्स्ट मोड आपको बताना चाहूँगी और फिर उसके बाद सेकंड और उसके बाद फिर मैं एक स्ट्रैंड लेके आपको इसकी नई टेक्निक भी सिखाऊंगी. चले तो मैं करने लगी हूँ स्टार्ट, होते थे म्यूजिक इंजॉय करें.
जी, तो हमारी सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, चलें तो अब नई टेक्निक की बात करें। नई टेक्निक के लिए मैंने थोड़ा सा हाथ पे पानी लिया है ताकि मैं अपने फर्स्ट ट्रेंड को थोड़ा सा गीला कर सकूं, ताकि जब हमने ब्लो ड्राई के लिए जब करना है, आप यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं, हीट प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं गीले के साथ ही करना चाहती हूँ। मैंने नॉर्मली पानी यूज़ किया है, मैंने इस तरह से इसको कर लिया है वेट, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना, बस नॉर्मल सा मैंने किया है। अब मैं ले रही हूँ इस तरह की एक कॉम, देन मैंने जिस तरह से इसको पकड़ा है देन राउंड 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 एंड राउंड, बस इस तरह से हमने इसको कर दिया है जैसे आपको नजर आ रही है। अब हम इसको यूज करेंगे, ऑन करेंगे। ये इस तरह से आपका रोल हो जाएगा। अभी आप हीट प्रोटेक्टर या कुछ और भी यूज करें तो ये और भी जबरदस्त हो जाएगा। ये इस तरह करके बाद में हम इसको अगर ओपन करेंगे इस तरह ही सारे करके, तो ये बहुत अच्छा वॉल्यूम भी आएगा और बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप नीचे तक भी लेके जा सकते हैं कि ये वाली चीज को भी टर्न कर सकते हैं। ये देखें, बड़े वॉल्यूम नाइस लगते हैं ये इस तरह से। ये जो आजकल आप वेव्स देख रहे हैं ये उस तरह से बन जाएंगी लेयर्स, और बहुत ही आपके वेवी हेयर लगेंगे, बिल्कुल उस तरह से ही लुक आएगी। आप देख रहे होंगे कि आजकल इस तरह से ही वो चल रही हैं वेव्स वगैरह, तो वह सेम उसी तरह से ये बन जाएंगे। आप पूरे हेयर्स पे भी अपने कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। एक आप लुक कोई भी क्रिएट करना चाहे मॉडल लुक के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है ये। तो ये थी, और इसकी प्राइजेस मैं आपको बताती चलूँ तो इसकी प्राइजेस पे जो स्ट्रेटनर है उसकी 1200 के अराउंड है, और क्रिम्पर की जो मैं बताऊँ तो वो 1300 के अराउंड है, और ये जो ड्रायर मेरे पास है इसकी 1560 आई थिंक, इतने आई गेस मैंने इतने पे ही लिया था, तो अब का मुझे आइडिया नहीं है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं क्या प्राइसेस हैं, और वहाँ पर जाकर आप परचेजिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।